हेलो अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल आमिर खान स्टूडेंट्स गाइडर चैनल। व्यूअर्स, आज की वीडियो बहुत ही यमीस्ट है, सो व्यूअर्स वीडियो एंड तक देखें। हैव यू गो, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, साथ में बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ऑप्शन में जाकर ऑल को क्लिक करके सेटिंग सेव कर लें, ओके कर लें, ताकि नई नई वीडियो के अपडेट आपको मिले। व्यूअर्स, आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज हम बनाने लगे हैं चिकन सैंडविचेस, इसको क्लब सैंडविचेस भी कहते हैं। स्क्रीन पर आप जो है इंग्रेडिएंट्स देख रहे हैं, साथ साथ मैं बताती चलूं। मेरे पास हाफ के जी चिकन है, इसको मैंने अच्छी तरीके से साफ करके वॉश कर लिया। उसके बाद जो वाटर ड्रेन करने के बाद मैंने विनीगर यानी कि सिरका ऐड करके अच्छे तरीके से मिक्स करके इसको छोड़ दूंगी 30 मिनट्स के लिए। 30 मिनट्स आफ्टर जो है इसको मैं अच्छी तरीके से जो है वॉश कर लूँगी और इसका वाटर जो है ड्रेन कर दूंगी। अब मैं एक पैन लूँगी, उसमें जो है जिंजर गार्लिक पेस्ट 2 टेबलस्पून एंड साल्ट 1 टेबलस्पून ऐड करके जो है बॉईल करूँगी इसको अच्छी तरीके से चिकन को, ताकि चिकन जो है हमारी सॉफ्ट होके अंदर तक जो है गल जाए चिकन हमारी। अब चिकन जब बॉयल्ड हो जाएगी तो इसका वाटर जो है ड्रेन कर दूँगी मैं, और चिकन को जो है हमने इसको स्लाइसिस में जो है तार तार काट लेना है, उसको लच्छेदार की तरह जो है निकाल लेना है अपने चिकन को अच्छी तरीके से। तो व्यूअर्स, ये देखिए मैंने ड्रेन कर लिया वाटर को और चिकन जो है हमारी गल चुकी है, सॉफ्ट हो चुकी है, चिकन बॉइल्ड हो चुकी है। अब मैं क्यूकम्बर के स्लाइसेस कर लूँगी उसके साथ जो है, क्योंकि हमने अपने ब्रेड में जो है ऐड करना है क्यूकम्बर स्लाइसेस एंड टमाटो स्लाइसेस, ये हम स्लाइस कर लेंगे। इसके बाद बॉइल्ड चिकन में 1 टेबल स्पून जो है सॉल्ट ऐड होगा योर टेस्ट, ब्लैक पेपर 1 टेबल स्पून ऐड होगी, इसके अलावा जो है वाइट पेपर हम ऐड करेंगे 1 टेबल स्पून, इसके अलावा जो है नेक्स्ट इंग्रेडिएंट जो ऐड होगा वो है मस्टर्ड पाउडर 3 टेबलस्पून, मस्टर्ड पाउडर 3 टेबलस्पून यूज़ होगा, इसके अलावा जिंजर पाउडर 1 टेबलस्पून एंड नेक्स्ट इंग्रेडिएंट गार्लिक पाउडर 1 टेबलस्पून और नेक्स्ट इंग्रेडिएंट लेमन जूस, लेमन जूस हम ऐड करेंगे 3 टेबलस्पून और अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे। ये हमारा जो है मटेरियल रेडी हो चुका है। इसके अलावा होलियन सॉस, इसके अलावा जो है वाइट सॉस, इसके अलावा जो है गार्लिक सॉस, इसके अलावा जो है मैंने आपको चिपोटले साउथ वेस्ट सॉस, मिंट मेयो सॉस, इसके अलावा जो है हरी मस्टर्ड सॉस जो है वो बताई थी किस तरीके से बनानी है। अंत में हम ऐड करेंगे अपनी गार्लिक सॉस, उसको मिक्स करेंगे। अब हमने 2 eggs जो हैं वो कुक कर लिए हैं, ऑमलेट बना लेंगे हम और उसको फिर निकाल लेंगे, ठीक है। सेकंड स्टेप जो है हमारा, हमने चिकन में अच्छी तरीके से जो है अपनी गार्लिक मेयो सॉस रेडी कर ली थी और स्लाइस पे हमने मिंट मेयो सॉस लगाई, स्प्रेड की, उसके बाद हमने अपनी चिकन स्प्रेड की। उसके बाद जो है नेक्स्ट स्टेप हमने किया सालसा सैलड जो है हमने, मैंने आपको सालसा सैलड बनाना बताई हुई है, मेरे चैनल पर अवेलेबल है। सो सालसा सैलड के बाद हमने एक ब्रेड रखी, उसके ऊपर जो है बारबेक्यू सॉस हमने स्प्रेड की, उसके बाद एग स्लाइस रखा हमने, उसके बाद जो है क्यूकम्बर स्लाइसेस एंड टमाटो स्लाइसेस जो है हमने लगाए, और उसके बाद जो है हमने एक स्लाइसेस के ऊपर जो है स्लाइस के ऊपर हनी मस्टर्ड सॉस जो है स्प्रेड की थोड़ी थिक लेयर में। उसके बाद जो है हमारा ये चिकन क्लब सैंडविचेस जो है वो रेडी हो चुके हैं, और इसी तरीके से नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट में हम कोई और सॉस जो है ऐड करेंगे, हम चिपोटले साउथ वेस्ट सॉस जो है वो लगा रहे हैं, और उसके बाद हनी मस्टर्ड सॉस, उसके बाद जो है एग का स्लाइसेस, टमाटो एंड क्यूकम्बर स्लाइसेस, बारबेक्यू सॉस एंड रेडी सैंडविचेस। सो टेस्टी एंड सो डिलीशियस, आई हैव नो वर्ड्स, बट आप ट्राई कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और मुझे और मेरी फैमिली को दुआ में जरूर याद रखिएगा। व्यूअर्स, अगर सांस होने की वफा, तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में आपकी गाइड के साथ। तो उतनी देर के लिए व्यूअर्स, अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह।